हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके ओप्पो A12 में यदि इसका लाउड स्पीकर वर्क नहीं करता है तो उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें जो स्पीकर का कम्प्लीट वेज है उसको बताने के साथ साथ आपको समझाने भी वाला हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते, ये है हमारा इसका लाउड स्पीकर और इसके जो ये दो पॉइंट है, सबसे पहले हम इसके ट्रैक को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वाले पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, एक पॉइंट हमारे यहाँ पर कनेक्ट होता है और उसके बाद एक वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। जो दोस्तों हमारा ये वाला पॉइंट होता है वो रहता है हमारा इसका, ये देखिए मैं इधर करूँ, ये देखिए ये वाला है हमारा स्पीकर का पॉजिटिव वाला पॉइंट और ये है इसका माइनस वाला पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो पॉजिटिव वाली लाइन है वो हमारे आती है इसके यहाँ पर, देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। पॉजिटिव वाली लाइन दोनों को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए यह वाली दोस्तों जो पॉजिटिव वाली सप्लाई है, पहले आप वीडियो को अच्छे से देख ले, समझ ले, उसके बाद ही जज करना कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझा रहा हूँ जो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये प्लस वाली सप्लाई है वो हमारी आती है यहाँ पर इस वाले रजिस्टर पर, ठीक है। और उसके बाद ये रजिस्टर सीरीज़ के अंदर रहता है, इस वाले पॉइंट पर आती है और उसके बाद दोस्तों ये वाले इस वाले पॉइंट पर आती है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आती है और उसके बाद कहाँ पर जाती है उसको भी हम जानेंगे। उससे पहले इसके माइनस वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये माइनस वाली सप्लाई है वो हमारे रजिस्टर के इस वाले पॉइंट पर आती है, उसके बाद इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट से निकलती हैं और इसके पास में जो कैपेसिटर लगा रहता है एक, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको कुछ भी इसमें डाउट ना बचे, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर होता है, उसमें से जो इधर वाला पॉइंट है देखो ये वाला, इस वाला पॉइंट पर यहाँ पर हमारी इसकी सप्लाई आती है और उसके बाद दोस्तों ये हमारे इस कनेक्टर पर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा इस कनेक्टर पर आ जाती है, इस कनेक्टर के यहाँ पर जो ऊपर वाले जो फर्स्ट नंबर पिन है उस पर तो आती है हमारी इसकी पॉजिटिव वाली लाइन इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। इस पर तो आती है हमारी इसकी पॉजिटिव वाली सप्लाई यहाँ पर और इस वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट पर हमारी इसकी पॉजिटिव वाली सप्लाई आती है और इसके इधर सेकेंड नंबर पिन पर आती है इसकी माइनस वाली सप्लाई इस सेकेंड वाली में आती है। और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मेन कनेक्टर है, ये वाला जो कनेक्टर है उसके एक नंबर पिन पर, ठीक है, इधर एक नंबर पिन पर तो हमारी इसकी पॉजिटिव वाली सप्लाई आती है, इन एक नंबर इस पे आती है हमारी इसकी स्पीकर की पॉजिटिव वाली और उसके बाद में इसके जो ये वाला और ये वाले पिन है उस पर आती है हमारी स्पीकर की माइनस वाली लाइन। उसके बाद दोस्तों जो ये पॉजिटिव वाली लाइन है वो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे यहाँ पर, ये देख सकते हैं इसका यहाँ पर CPU लगा है, ये CPU है, ये इसकी EMMC है और इसके ठीक नीचे की तरफ पीछे की साइड में आप देखोगे तो जो ये वाली एक छोटी सी ब्लैक कलर की यहाँ पर IC लगी है, ये है हमारे इसकी साउंड IC, ठीक है। साउंड IC के पास में आप देख सकते हैं जो ये देखिए साउंड IC के पास में जो ये वाला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर आती है हमारे स्पीकर की प्लस वाली लाइन, ठीक है। स्पीकर की प्लस वाली लाइन यहाँ पर आ गई और इसकी जो माइनस वाली लाइन इस कैपेसिटर पर आती है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ, इस वाले कैपेसिटर पर, ये माइनस में लिख देता हूँ, इसमें आती है और उसके बाद इस कोयल में आती है और उसके बाद इस वाले पॉइंट पर आती है, ठीक है। और उसके बाद सीधा हमारी साउंड IC में चली जाती है और इसी तरीके से इसकी जो प्लस वाली सप्लाई है वो आती है हमारे इसमें इस वाले पॉइंट पर, उसके बाद इस वाले पॉइंट पर आती है और उसके बाद इस तरह से हमारी साउंड IC में चली जाती है, ठीक है। और दोस्तों हमारे साउंड IC के वर्क करने के लिए जो VPH पावर आता है वो 3.7 से लेकर 4.2 आपको इस वाले कैपेसिटर के इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। और इसके फर्स्ट नंबर पिन पे EN सिग्नल आता है जो सीधा CPU से कनेक्शन रहता है, उसका आना भी ज़रूरी है, वो बाद का काम है। लेकिन अगर दोस्तों आप इसका वेज इस तरीके से होता है, ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया, कुछ नहीं है यार दोस्त, अगर हमारे इसमें शॉर्टिंग क्या रही है, आपने CC बोर्ड पहले तो देखो, अगर आपकी इस प्लस वाली लाइन में शॉर्टिंग आ रही है स्पीकर के तो देख सकते हैं इस वाले कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर लगा है, यहाँ पर
यहाँ पर जो किप्स्टर लगा रहता है उसके शॉर्ट होने की वजह से आ सकती है हमारी इस लाइन में शॉर्टिंग। और अगर रीडिंग नहीं आ रही तो इस तरफ भी चेक कर लीजिए और इस तरफ भी चेक कर लीजिए। अगर इस तरफ नहीं आ रही है और इस तरफ आपको मिल रही है तो यहाँ पर आप जंपर कर सकते हो। इसी तरीके से सेम रूल, अगर आपको यहाँ पर उस सीसी बोर्ड इनको चेंज करने के बाद या फिर चेंज नहीं करना चाहते तो आप इन पॉइंट पर भी चेक कर लीजिए। अगर इन पर भी जैसे इस प्लस वाली लाइन पर आपको शॉर्टिंग मिल रही है तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले किप्स्टर को आपको हटा देना है। और अगर रीडिंग नहीं मिल रही है तो इस पर आप जंपर कर दे, इधर और इधर दोनों तरफ से चेक कर ले। इस तरीके से दोस्तों आप इसमें अपने ओप्पो A12 में स्पीकर की प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसका कंप्लीट जो ट्रैक होता है वो किन कंपोनेंट से होता है, हमारी साउंड आईसी में जाता है, इसके बारे में कंप्लीट बता दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।